हेलो फ्रेंड्स, हमारे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन पर क्लिक करें। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपको ऋग्वेद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताएंगे। ऋग्वेद सनातन धर्म का सबसे आरंभिक स्रोत है। इसमें 10 मंडल 1028 सूक्त हैं। मंत्र संख्या के विषय में विद्वानों में कुछ मतभेद हैं। मंत्रों में देवताओं की स्तुति की गई है। इसमें देवताओं का यज्ञ में आवाहन करने के लिए मंत्र हैं। यही सर्वप्रथम वेद है। ऋग्वेद में ही मृत्यु निवारक महामृत्युंजय मंत्र वर्णित है। विश्व विख्यात गायत्री मंत्र भी इसी में वर्णित है। इस वेद में आर्यों के निवास स्थान के लिए सभी जगह सप्तसैंधव शब्द का प्रयोग हुआ है। इस वेद में लगभग 25 नदियों का उल्लेख किया गया है, जिनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु का वर्णन अधिक है तथा सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। इसी वेद में गाय के लिए अहन्या शब्द का प्रयोग किया गया है। इस वेद के 7वें मंडल में सुदास तथा 10 राजाओं के मध्य हुए युद्ध का वर्णन किया गया है, जो कि रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। ऋग्वेद में आर्यों के 5 कबीले होने के कारण पंचजन्य कहा गया है। ये थे यदु, तुर्वश, अनु, द्रु, पुरु। अस्तो मां सद्गमय वाक्य ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद की रचना संबंधी मत तिलक के अनुसार ऋग्वेद की रचना 6000 ईसा पूर्व में हुई। मैक्स मूलर के अनुसार ऋग्वेद की रचना 1200 से 1000 ईसा पूर्व में हुई। विंटर नित्स के अनुसार ऋग्वेद की रचना 3000 ईसा पूर्व में हुई। ऋग्वेद के सूक्तों के पुरुष रचयिताओं में विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ, गृहस्थमत आदि प्रमुख हैं। सूक्तों के स्त्री रचयिताओं में लोपामुद्रा, घोषा, सची, कांछावृत्ति, पलोमी आदि प्रमुख हैं। ऋग्वेद की शाखाएं, ऋग्वेद की जिन 21 शाखाओं का वर्णन मिलता है उनमें चरण व्यू ग्रंथ के अनुसार 5 ही प्रमुख हैं। नंबर 1 साकल, नंबर 2 वास्कल, नंबर 3 आश्वलायन, नंबर 4 सांख्यायन, नंबर 5 मांडुकायन। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण में पंचजनों में देव, मनुष्य, गंधर्व, अप्सरा, पितरों की गणना की गई है। सर्वप्रथम राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है तथा चारों वर्णों के कर्मों की जानकारी भी इसी ब्राह्मण में मिलती है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। आयुर्वेद के रचनाकार धन्वंतरी थे। ऋग्वेद के मंडल। ऋग्वेद के 10 मंडलों में से 2 से 7वां मंडल सबसे प्राचीन है और इन्हें गोत्र मंडल भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी रचना गोत्र विशेष के ऋषियों द्वारा की गई थी। 1 तथा 10वां मंडल सबसे नए मंडल हैं। दूसरे मंडल की रचना गृहस्थमद भार्गव द्वारा की गई। तीसरे मंडल की रचना विश्वामित्र द्वारा की गई। इस मंडल में 3 मंत्रों की रचना 3 राजाओं द्वारा की गई। ये राजा हैं अजमीर, पुरमीड, द्रासदस्यु। चौथे मंडल की रचना वामदेव द्वारा की गई। पांचवें मंडल की रचना अत्रि द्वारा की गई। छठवें मंडल की रचना भारद्वाज द्वारा की गई। सातवें मंडल की रचना वशिष्ठ द्वारा की गई। आठवें मंडल की रचना कण्व अंगिरस द्वारा की गई। सातवां मंडल शिक्षा से संबंधित है। नवां मंडल सोम को समर्पित है, अतः इस मंडल को सोम मंडल भी कहा जाता है। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में प्रथम बार चतुर्वर्ण का उल्लेख हुआ है। इसी मंडल में विवाह सूक्त में वैदिक कालीन विवाह प्रणाली का उल्लेख भी हुआ है। आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद दोस्तों।